आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे शॉर्ट में वीबीटी के नाम से भी पहचाना जाता है। कॉम्प्लेक्सेस के केस में तीन तरह की थ्योरीज रहती हैं, एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वर्नर थ्योरी और एक है सीएफटी, जिसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कहते हैं। बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही कहलाई जाती है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ इस तरह से आगे प्रोसीड किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर ट्रांजिशन मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसे लिगेंड के नाम से पहचाना जाता है। नाउ अब आपको समझना होगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनता है जब एक का फिल्ड ऑर्बिटल दूसरे के वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। यानी कि इस थ्योरी का पहला पॉइंट हुआ कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। मेटल के पास अगर वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तभी वो बॉन्ड बनाएगा, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेंगे। आइए आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझाते हैं हम। सबसे पहले हम लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ बने हुए हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहा जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं कंपाउंड स्कैंडियम का। आपको बिल्कुल इसी तरह से प्रोसीड करना है जैसे मैं यहां बता रहा हूं। सबसे पहले स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, जो कि आपके पास आएगी +2। फिर आपको स्कैंडियम का कॉन्फिगरेशन लिखना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड देन 3d1, 4s2। ये रहेगा स्कैंडियम का कॉन्फिगरेशन। अब ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंगली कॉन्फिगरेशन को बदलना है। स्कैंडियम प्लस टू का मीनिंग हुआ बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, तो अब हमारे पास बचता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1 और आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए 4s0, 4p0, 4d0 यहां पर लिख लेंगे। नाउ अगला काम ये करेंगे कि इस d ऑर्बिटल से यहां तक के d ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे, इनर d, आउटर d, इनर d से आउटर d को हम यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास है d सबशेल जिसमें 5 ऑर्बिटल हैं, दिस इज 3d। ऐसे ही ये है हमारे पास 4s और इसी तरह से ये अगली सबशेल है 4p और ये है हमारे पास आउटर d यानी 4d। इस तरह से सही प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी आपको। कॉन्फिगरेशन लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से और इनर d से आउटर d। यहां पे प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हमने इसको बना लिया। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन बनती हैं, एक d2sp3 यानी इनर d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, d2sp3 और दूसरी हाइब्रिडाइजेशन बनती है sp3d2 यानी एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल। अगर अंदर वाले d ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं तो इसे कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और अगर हम आउटर d ऑर्बिटल का यूज करते हैं तो इसे कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब ये हमें देखना होगा कि यहां इस केस में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो देखिए ये है हमारा मेटल, इसका कॉन्फिगरेशन, लार्ज नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल यहां प्रेजेंट है, 6 वाटर यहां अप्रोच करेंगे, 6 वाटर स्कैंडियम के पास आएंगे और अंदर तक आएंगे और ये देखेंगे क्या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल वेकेंट है या नहीं है। इन्हें 2 डी ऑर्बिटल चाहिए, अगर 2 डी ऑर्बिटल वेकेंट होंगे तो यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, अगर वेकेंट नहीं होंगे तो बाहर वाले डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल करेंगे। यहां आप समझ सकते हैं जैसे ही वाटर अंदर आएगा ये देखता है यहां ऑर्बिटल वैकेंट है तो वाटर 2 डी ऑर्बिटल, 1 एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है और इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 यहां बने।
तो आपने इस बात को सीख लेना है, इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन D2SP3। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो आप कह सकते हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक कहलाया जाएगा। और फिर आपसे पूछा जाएगा कलर्ड होगा या नहीं, तो शायद आप जानते हैं, आपको याद होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कलर का कारण होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना, तो क्योंकि यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे ये कलर डेफिनेटली शो करेगा, यहां पर कलर शो किया जाएगा। इस तरह से आपको बॉन्डिंग करनी है, प्रेडिक्शन करना है किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन। आइए अब समझते हैं दूसरा केस, जिंक H2O होल 6। जिंक का कॉन्फिग्रेशन होगा दिस इज नाउ 3D10 4S2। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे जो कि आएगी +2, और जिंक +2 का कॉन्फिग्रेशन आप लिखेंगे तो ये बनेगा 3D10 4S0, और P0D0 हम अपने आप यहां पर लिखेंगे। सो नाउ इन दिस केस वी कैन से कि डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ये हमारे पास इनर डी टू आउटर डी, यहां डी में 10 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ये है हमारा जिंक +2। अब वाटर के 6 मॉलिक्यूल अंदर आएंगे, देखेंगे यहां ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, पहले वाले में वेकेंट था लेकिन यहां वेकेंट नहीं है, तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इन्हें ऑक्यूपाई करें और इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो इन दोनों के अंदर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, कारण क्या हुआ ऑर्बिटल्स का? यहां इनर ऑर्बिटल वेकेंट थे तो d2sp3, यहां आउटर ऑर्बिटल थे तो इसीलिए sp3d2। ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री दोनों में सेम होगी, ये भी ऑक्टाहेड्रल, पिछला एग्जांपल भी ऑक्टाहेड्रल। क्या ये मैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा? नहीं होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। क्या ये कलर्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एग्जामिनेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे कहेंगे ये कलर्ड नहीं है, ये है, एक्सप्लेन करो। वहां ये नहीं कहेंगे आपको कि VBT का इस्तेमाल करना है, आपको खुद से ही उसका इस्तेमाल करना है और ये कलरलेस, ये कलर्ड, ये वहां आपको बताना है। ऐसे ही यहां पर दो और एग्जाम्पल सीखेगा। एक एग्जाम्पल हम यहां पर लेते हैं, दिस इज MN एंड देन NH3 एंड होल 6 +2। एक एग्जाम्पल ये लेते हैं और एक और एग्जाम्पल हम मैग्नीज का MnH2O होल 6 +2। इन दोनों एग्जाम्पल को समझने के बाद ही आप इसको बहुत गौर से ध्यान से समझ पाएंगे। आइए बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, यहां आएगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर। ये है आपके पास मैग्नीज जिसका कॉन्फिग्रेशन दिस इज 3D5 4S2। मैग्नीज +2, क्या करेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे और ये बचेगा 3D5, यानी डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैग्नीज के अंदर हम डी सबशेल में यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, 1 2 3 4 5। इस तरह से ये हमने मैग्नीज का कॉन्फिग्रेशन लिख लिया, तैयार हो गया। अब बात आएगी, लिगेंड्स आएंगे, 6 अमोनिया 6 अमीन अंदर की तरफ आएंगे और यहां देखेंगे कि ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, लेकिन एक बात समझी जा सकती है कि ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है लेकिन ये सभी अनपेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड है तो इन्हें पेयर अप करवाया जा सकता है, इन्हें पेयर अप करवाया जा सकता है। अब ये पेयर होगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा लिगेंड की स्ट्रेंथ पे। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये इनको पेयर अप करवा सकता है और अंदर के डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर लिगेंड होगा वीक तो वो पेयर अप नहीं करवा पाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अमोनिया, साइनाइड, कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, वॉटर, हेलोजन वीक लिगेंड होते हैं। तो यहां पर हमारे पास अमोनिया है,
अमोनिया अंदर की तरफ आएगा, देखता है कि ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, तो अमोनिया क्या करता है, इसे रिपेल कराता है, रिपेल कराता है, यहां भेजता है, रिपेल कराता है, यहां भेजता है, और इस तरह से दो ऑर्बिटल वेकेंट करता है। दो ऑर्बिटल वेकेंट हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन अब यहां पर क्या हो जाएगी, यू कैन अंडरस्टैंड D2SP3 ये हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। तो हमारे इस कंपाउंड में D2SP3 बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व होगी, इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले 5 थे अब डिक्रीज हो गए, इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी पहचाना जाएगा। ऐसा लिगेंड जो पेयर अप करवा देता है हाइपर लिगेट कहा जाता है, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाया जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाइपर लिगेट कॉम्प्लेक्स कहलाया जाएगा। क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा, बिल्कुल होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या ये कलर्ड होगा, बिल्कुल होगा, डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और एक लास्ट केस यहां समझिएगा MnH2O6 का, इसको भी बिल्कुल इसी तरह से पढ़ना है, बिल्कुल शुरुआत से। आप देखेंगे कि ये बहुत आसान चीज है, ये मुश्किल नहीं है। आप में से बहुत बच्चों ने बार बार कहा कि VBT आप करा दीजिए, VBT रह गई है, तो आप देखेंगे कि VBT बिल्कुल आसानी से यहां पर हो जाएगी। और चैनल की प्लेलिस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आप इस चैप्टर को देखेंगे तो पूरी तरह से ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। ना कैसे करेंगे, मैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2, मैग्नीज लिखा, मैग्नीज +2 लिखा, डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, यहां पर लिगेंड्स आएंगे, लिगेंड्स आएंगे, देखेंगे ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर पेयर अप करवा दिया जाए। अब ध्यान रखिए, मैंने अभी क्या बताया था आपको, अगर भूल गए हो तो वीडियो रिवाइंड कीजिएगा। मैंने बताया था वॉटर एक वीक लिगेंड है, वॉटर एक वीक लिगेंड है, वो इसे रिपेल नहीं करा सकता, एक वीक लिगेंड है रिपेल नहीं करा सकता, तो वॉटर क्या कहेगा, चलो भाई रिपेल नहीं कराते, बाहर वाले ऑर्बिटल में बैठ जाएंगे, बाहर अच्छी हवा आएगी, और इस तरह से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। नाउ कैसा हुआ ये हुआ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाएगा, क्योंकि ये पेयर अप नहीं करवा पाया, इसे हाइपोलिगेट कॉम्प्लेक्स के नाम से भी पहचाना जाएगा। ये ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, अनपेड डी इलेक्ट्रॉन है, ये कलर्ड भी होगा। तो इस तरह से बच्चों आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर इस तरह से बॉन्डिंग को सीखना है, बॉन्डिंग हो पाएगी। और बिल्कुल ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी ट्राई कीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहां भी ट्राई कीजिएगा, दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन DSP2 एंड SP3, बिल्कुल इसी तरह से ये आपको करना होगा। होमवर्क में मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि आप पता लगाइएगा NiCl4-2 और NiCl4-2, इन दोनों के अंदर इसी तरह से काम कीजिएगा, पता लगाइएगा कहां DSP2 है, कहां SP3। जहां DSP2 वो स्केयर प्लेनर होगा, जहां SP3 वो टेट्राहेड्रल होगा। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ लेंगे तो ये भी आप तुरंत बना पाएंगे और बड़ी आसानी से VBT का टॉपिक यहां पे फिनिश हो पाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सभी वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, ये चैप्टर जिसको बहुत मुश्किल माना जाता है बहुत आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। आइए अब आप समझते हैं कि VBT को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, DSP2 एंड SP3, दो तरह की। इसमें शेप है स्केयर प्लेनर और यहां शेप होती है टेट्राहेड्रल, ये इंफॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा। इस तरह से दो तरह की है इनकी ज्योमेट्री। नाउ पहला एग्जांपल लेते हैं NiCN4-2। देखिए, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, वो बहुत जरूरी है। अगर आपने वो देख रखा है तभी ये आप इफेक्टिवली कर पाएंगे, तो पहला पार्ट जरूरी है देखना। तो यहां पर देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे जो कि 2 आएगा, निकल कॉन्फिगरेशन है 3D8 4S2,
निकल प्लस टू, यहां से दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3d8, 4s0, 4p0, ये बनता है इसका कॉन्फिगरेशन। डी सबशेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, जिन्हें इस तरह से यहां पर दिखा दिया जाएगा, ये हैं 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ जैसा कि आपको पार्ट वन के अंदर बताया गया था, अब आएंगे चार लिगेंड। चार लिगेंड अंदर की तरफ आएंगे, देखेंगे क्या वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। इन्होंने देखा कि यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, फिर हमने सिखाया था अगर आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करवा सकता है, पेयर करवा सकता है और अपने लिए ऑर्बिटल खाली कर सकता है। अगर आने वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करवाएगा, पेयर करवाएगा और इस तरह से अपने लिए ऑर्बिटल वेकेंट करेगा। अब बताइए क्या होगा। साइनाइड लास्ट वीडियो में बताया था एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से इसे रिपेल कराएगा, यहां भेजेगा, पेयर करवाएगा और इस तरह से ये ऑर्बिटल वेकेंट हो गए और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन रही। dsp2 अंदर वाला ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्योंकि पेयर करवा दिया है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने पेयर करवाया है, हाइपर लिगेट कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाएगा। क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा? हरगिज नहीं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। क्या ये कलर्ड होगा? हरगिज नहीं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कलर्ड भी नहीं होगा। तो इस तरह से ये निकल टेट्रासाइनाइड का केस यहां हमने देखा। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और एनसीईआरटी में भी यही एग्जाम्पल है, इसीलिए हमने इन एग्जाम्पल को लिया। अगला केस NiCl होल 4-2। नाउ इसको समझने से पहले हम ओरिजिनल कंडीशन में अपने ऑर्बिटल को ले आते हैं। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसीड, कैसे आगे बढ़ना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट हो जाएगी 2, निकल निकल प्लस 2 और D8, ये यहां कॉन्फिगरेशन। क्लोराइड आएंगे, क्लोराइड आएंगे, देखते हैं वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो पेयर करवाया जा सकता है, लेकिन क्लोराइड वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड होने की वजह से क्लोराइड इसे पेयर नहीं करवाएगा और बाहर वाले ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा और इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाई जाएगी। नाउ दोनों के दोनों कंपाउंड एक जैसा फार्मूला लगता है, लेकिन ये था dsp2 और ये है sp3। इसकी शेप थी स्क्वायर प्लेनर, लेकिन इसकी शेप क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये होगा पैरामैग्नेटिक। बाहर के ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हुए, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाया जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, पेयर नहीं करवा पाया, हाइपोलिगेट कॉम्प्लेक्स इसे कहा जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कलर कॉम्प्लेक्स शो करेगा। तो देखिए इस तरह से मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे हम VVT को कॉम्प्लेक्सेस के केस में अप्लाई करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यही दो आपके सिलेबस में है और इन्हीं को आपने इस तरह से करना है, अच्छे से करना है और ये इस तरह से जाने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा, लेकिन जरूरत बस इसी बात की है, प्रैक्टिस करनी है। जो एग्जाम्पल मैंने कराए उसे लिख के देखें और फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से ये आप टॉपिक को कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, हैप्पी एग्जामिनेशन।